प्रविष्ट नगर की जय, सबका जय, हृदय राज कौशलपुर राजा। हमारे साथ अयोध्या वाली जो पेज है आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे और कहीं देखते हैं, तो उसके एडमिन हमारे साथ हैं भैया। भैया क्या नाम बताइए भैया पहले अपना। शशांक से त्रिपाठी। आप अयोध्या आपके एडमिन है जी। तो आपके कहने दादू ओ योगी बाबा आपके ही कृपा से प्रभु। प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन्हें इलाज की जरूरत है, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था को इतनी अच्छी सुदृढ़ कर दीजिए कि उनकी बुद्धि सही हो जाए। वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं, कोई शिक्षा की राजनीति नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की राजनीति नहीं कर रहा है। प्रविष्ट नगर की जय, सबका जय, हृदय राज कौशलपुर राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की एक नई पेशकश। आज हम आप पहुंचे हैं अयोध्या में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेपाल से शिलाएँ लाई गई थी वो हमारे पीछे यहाँ पर रखी गई हैं, और इसकी मान्यता ये है कि ये शिलाएँ नेपाल से कनक नदी से लाई गई हैं, और ये शिलाएँ इस करीब करीब 4 करोड़ साल तो पुरानी हैं। और बताया यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मत है इस शिला के बारे में। हमारे साथ अयोध्या वाले जो पेज है आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे और कहीं देखते हैं, तो उसके एडमिन हमारे साथ हैं भैया। आपके शहर में जो आई शिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे शहर के लाखों करोड़ों राम भक्त जितने पूरे रास्ते में नेपाल से लेकर अयोध्या तक मिले, सब को इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति देखने को मिली। अभी हम बस्ती से साथ में आए हैं, कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक रास्ते पे खड़े थे कि अभी हमारे प्रभु श्री राम यहाँ से गुजरेंगे। सभी के अंदर हर्षोल्लास का माहौल है और बहुत खुशी हुई है, और सबसे ज़्यादा खुशी तो उस दिन होगी जब स्वयं हमारे प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। जैसे कि लोगों से बात करते हैं और हमारे साथ अयोध्या के एक और शख्स मिलजुल चुके हैं जो अयोध्या में बहुत चर्चित हैं। भैया क्या नाम बताइए भैया पहले अपना। शशांक से त्रिपाठी। आप अयोध्या आपके एडमिन है जी। तो आपके शहर में ये जो आई है मूर्ति, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये जो सालिगाम के पत्थर आया गया, इसे आप क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहली बात तो कि हम अयोध्या वासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ही ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम का मंदिर बनते देख रहे हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम के मंदिर में जो विराजमान होगी वे प्रतिमा, उसकी शिला को आते हुए देख रहे हैं, उसको बनते हुए देख रहे हैं, और जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था जो है इससे बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं नेपाल से जब अयोध्या आ रही थी तो सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए थे केवल इसको देखने के लिए कि एक बार प्रभु के स्पर्श हो जाए उनसे। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की आंखों के सामने ये सारी चीजें होती हैं, हम देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों से बात करते हैं, बने रहिए। लेकिन इस शिला को देखकर हमारे भी मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न वो है कि जो शालिग्राम शिलाएं होती हैं, जो शालिग्राम शिलाएं होती हैं उस पे कभी छीनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उसे कभी कटपीट नहीं किया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो शालिग्राम शिलाएं होती हैं वो ऐसी होती नहीं हैं, शालिग्राम शिलाएं हमेशा एक प्लेन होती हैं। यही प्रश्न मेरे मन में है, अगर आप लोगों का इसका अगर आपको उत्तर मालूम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम नीलेश चतुर्वेदी है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से रामघाट चौराहे से हूँ। अयोध्या से हैं? हाँ, मैं अयोध्या से, प्रॉपर अयोध्या। तो अयोध्या में ये जो शालिग्राम शिलाएं लाई गई हैं, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? ये शालिग्राम जो शिलाएं आई हैं इसका पूरी अयोध्या वासी भव्य स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर रहे हैं, हमें भी खुशी है। ये हमारे धर्म का प्रतीक है, हम इसका सम्मान कर रहे हैं, सप्रति कर रहे हैं। मगर हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, जो तमाम मंत्रियों हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हमारी शिक्षा अच्छी ना हो। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होती है तो हम इन सब की सुरक्षा कर सकते हैं। राम मंदिर बन जाएगा, विश्व के तमाम महानुभाव आएंगे यहाँ पे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके सिवा अगर वो हमारी खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब चिकित्सा व्यवस्था को देखेंगे, इससे हमारे देश का सर झुक जाएगा, हमारे देश का अपमान होगा। हमारी एक मांग है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इतनी अच्छी कर दीजिए, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कीजिए जैसे शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में ना हो, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था कीजिए जिसकी विश्व में ना हो। अगर हमारे एक मंत्री के, एक खिलाड़ी को, एक महान प्लेयर को भी अगर एक इलाज चोट लग जाती है या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, विदेशों में जाता है इलाज कराने के लिए, क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब है?
हमारी चिकित्सा व्यवस्था को अच्छी कीजिए और इस चिकित्सा व्यवस्था तब तक अच्छी नहीं हो जाती जब तक ये टैक्स फ्री ना हो जाए, जब तक ये आम जनमानस के लाभकारी ना हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को जब तक टैक्स फ्री नहीं करेंगे यह शिक्षा व्यवस्था, तब तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी और तब तक प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक गरीब घर का छात्र इस शिक्षा व्यवस्था को, महंगी शिक्षा व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर सकता। मैं एक गरीब घर से हूँ, मैं भी एक मेरी हम लोग पेपर एक सेमेस्टर वाइज प्रणाली होती है, 6 महीने पहले पेपर होते हैं, 5 महीने बाद रिजल्ट आता है, 1 महीने के अंदर आप पेपर कराने घोषणा करते हो, ना बाजारों में बुक उपलब्ध है, ना बाजारों में किताबें उपलब्ध हैं, मिड डे मील के नाम पर चूहिया डाल डाल के आप खाने खिला रहे हो, मैंने अपने आँखों से देखा है। ये इस व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा राम राज्य आ नहीं सकता, और राम राज्य आने के लिए राम राज्य वर्षों से हमारे अयोध्या में है, मगर राम राज्य को हमें समझने की देर, हम समझ नहीं रहे हैं। हम लोग के सब पूरे राम पूरे विश्व में है, मगर राम ये भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करें। आई हैं ये जो यहाँ के महंत हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, वो बोल रहे हैं कि इस शालिग्राम शिलाओं को कटपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि शालिग्राम शिलाओं पे कभी छिंतरी का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको कभी कटपीट, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको उनके इस वक्तव्य का भी मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो इस समय बात कही है वो सत्य प्रतिशत सही कही है। अगर इसके हम कटपीट कर देते तो इसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो इसका उपयोग है, वो उपयोग उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इस समय एक मुद्दा और चल रहा है जी की जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो रामचरितमानस को उसका विरोध कर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन्हें इलाज की जरूरत है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था को इतनी अच्छी सुदृढ़ कर दीजिए कि उनकी बुद्धि सही हो जाए। जब तक चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम बेवकूफ लोग ऐसे ही वक्तव्य देते रहेंगे। इसलिए मैं इसीलिए बार बार आप लोग से कह रहा हूँ हमारी चिकित्सा व्यवस्था को टैक्स से फ्री, वो टैक्स देना ही नहीं चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बुद्धि का इलाज के लिए, हम लोग क्या करें? हम तो उनसे एक भी ये भी हम चलिए आपके मन से माध्यम से हम भी कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आप विश्व के किसी भी अस्पताल में जाइए अपनी बुद्धि का इलाज कराइए, मैं अपनी जमीन जायदाद बेच के आपकी बुद्धि का इलाज कराऊंगा। हमारे धर्म पे आप आवाज़ क्यों उठा रहे? शिक्षा पे बात हो ही नहीं रही है, वो बात वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं, कोई शिक्षा की राजनीति नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की राजनीति नहीं कर रहा है। ये लोग पलटने वाले आए हैं, इन लोगों की बातों पे आप ध्यान ना दीजिए, आप लोग शिक्षा आगे करने की बात कीजिए। जब तक हमारा समाज, हमारा छात्र समाज आगे नहीं जाएगा विश्व में, देखिए बात आती है शिक्षा, नौकरियां हमारे देश में नहीं है, अमेरिका में महामंदी आई, मंदी पड़ी अमेरिका में, कितने युवा, कितने अरबों युवा, लाखों युवा बेरोजगार हो गए, उन्हें अपने देश से भगा दिया गया, अमेरिका से भगा दिया। हम हिंदुस्तानियों की कहीं इज्जत ही नहीं, हमें अपनी इज्जत चाहिए, हमारा स्वाभिमान चाहिए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को अच्छी कीजिए। राम जी से भी जो राम राज्य की कल्पना राम जी ने सोची थी, हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो हम सबके साथ हैं, इसलिए राम जी की जो राम राज्य की कल्पना, उस कल्पना का मैं भी समर्थन करता हूँ, उस कल्पना की मैं आशा करता हूँ। कहीं आप देखते रहिए अयोध्या भारती, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, धन्यवाद।